आज सुबह सुबह मेरे पास टी टाक बंदा ठेस बुद्धि आता रनिंग के लिए और ठेस बुद्धि मेरे एक हफ्ता से जूता धर के बैठा दौड़ कर ना जा पा बोरी से बन के बैठा चल आओ काका भरो इधर ओ ट्रैक सूट टी शर्ट और अंदर का है खाल गरम और फाइनली ऐसी कड़कती ठंड अपने दिल पर पत्थर रखकर हम रनिंग के लिए चल देते हैं शांति प्रिय तरीके से। अरे गाय ले जाओ यहाँ के ढक्कर थे। ये वीडियो इसके घर वालों को दिखाई जाएगा, ये बिल्कुल नहीं दौड़ता है। चल भाई रोहित दौड़ो दौड़ो लगाई जाए। हाँ ये लगाऊंगा। ये तो उतार दे जैकेट। ये इसका दौड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता और आज ऐसे ठीक ठाक बंदा जबरदस्ती घर से खींच कर लाया है और जैकेट उतारते इसके दिमाग में खुजली प्रकट हो जाती है। और फाइनली हम दौड़ना चालू करते हैं और दौड़ते दौड़ते अंधेरे से उजाला हो जाता है मगर मोच ठीक ठाक बंदे के पैरों मोच आ गई। हमारा डेडिकेशन देख रहे हो इसका वेरी गुड मगर ठेस बुद्धि को जबरदस्ती भगाना पड़ रहा है। चल आज तू भागेगा और हम भगाएंगे। आज तो तू भागेगा और चल नेक का हो तो मगर फिर ये गिड़गिड़ाने लग जाता है। ये रहम की भीख मांगने लगता है और मुझे भीख देनी पड़ती है क्योंकि भला आदमी हूं ना मैं। मगर फिर हम बारी बारी से एक लास्ट स्प्रिंट लगाते हैं और फिर आता हमारा ठेस बुद्धि। ठीक ठाक बंदा इज ऑलवेज ठीक ठाक मगर दौड़ने के बाद हमारी रग रग में गर्मी घुस आती है। लगता है जैसे हमें विंटर वेकेशन की नहीं समर वेकेशन की तैयारी करनी चाहिए। और छाती तान के सुबह के इस खूबसूरत दृश्य के दर्शन करते हुए हम घर लौट कर आते हैं और लौट कर आते ही हमारी रग रग में फिर से सर्दी घुस जाती है और आग जलाने के लिए ठीक ठाक बंदा सूखा ईंधन इकट्ठा करता है। नन्हे मुन्ने बालों को बुरी तरह से ठंड लग रही है। हम आग जलाते हैं कोशिश करते हैं मगर असफल हो जाते हैं। फिर से कोशिश करते हैं मगर फिर असफल हो जाते हैं क्योंकि ईंधन गीला होता है उसकी वजह से। तो हम करम में से निकाल लेते हैं सूखी करके। इस करम में से फिर हम सूखी लकड़ियां निकालते हैं क्योंकि इसमें आग बड़ी जल्दी लगती है और फिर मैं आग लगाने की कोशिश करता हूँ मगर सफलता मुझे भी प्राप्त नहीं होती और अंत में हमारा ठेस बुद्धि प्रयास करता है। अरे माचिस जलाना तो सीख ले रे, हाथ नहीं जलाएगा। जो आग जलाने में एक ही बार सफल हो जाता है। क्या बात है, आग लगाने में माहिर है हमारा ठेस बुद्धि। फिर आग को और बढ़ाने के लिए सूखा सूखा ईंधन इकट्ठा करके लाता है। तू बुझाए मत, दियो आगे अच्छी खासी है। मैं जिधर बैठ रहा हूँ धुआं उधर ही आ रहा है बैठा मैं। और फिर बढ़िया तरह से आग जली जाती है और शांति से हमें इस आग की लपटों की गर्माहट लेते हैं। गर्मी गर्मी आई है गर्मी। हाय गर्मी, कहाँ है रे नूरा फतेही। और जैसी आग की गर्मी हमारे शरीर में दौड़ती है हमारे दिमाग में खुजली दौड़ने लग जाती है। अब इतने उदम के बाद मैंने घर जाने को बोलता हूँ मगर भैया जा तो रहे पर आए आगे लौटे तो मैं ही खानी पड़ी। तुमने बोला इतना है ये बहुत दिन आगे मैंने उन्होंने खाई सरम वरम इन्होंने सब बेच खाई है। अभी ठीक से दौड़ नहीं पाए और अब बिना किसी रीजन के मुझसे मैगी खाने की डिमांड कर रहे हैं। मैं घर में जैसी कदम रखता हूँ बस मुझे एक ही चीज सुनाई पड़ती है। पहुंचा आओ कल फिर आओ आज ही फिर आओ। इस काम के लिए कितने प्यार से बात करी जाती है मुझसे। मामा फिर मेरा क्यूट सा भांजा भी अपनी नींद से जागता है। मामा 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 और हाय रे मेरी दीदी साल भर का सिलेबस 10 मिनट में कंप्लीट करना चाहती हैं। पापा राखी के लिए लंच बॉक्स लगा रहे हैं और मम्मी खाना बना रही है और पोछा के नाम पर इसका एटीट्यूड देखो। और इसकी स्कूल वैन काफी देर से बाहर खड़ी है मगर इसने रोज लेट होने की कसम खा रखी है। अपने भ्राता श्री से प्रणाम कौन करेगा। नमस्ते।
फिर मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी पूरी निष्ठा के साथ करता हूँ, मगर गर्म पानी मिलाकर, ठंडी है ना बहुत। और सभी अस्त्रों का ध्यान पूर्वक प्रयोग में लेता हूँ। और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस कर्म भूमि पर पोछा लगाने की तैयारी करता हूँ। एंड द शो बिगिंस नाउ। मगर अभी तो मुझे अपनी दीदी को उनके एग्जाम सेंटर पहुंचाना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी किस पे? मुझ पे। और चल देता हूँ फिर मैं अपनी दीदी को उनकी युद्ध भूमि में पहुंचाने। मगर ये ठेसवती अभी घर गया नहीं है। शर्म हया लज्जा सब बेच खाई इसने मैगी के चक्कर में। और जल्दी से बिना वक्त गवाए मैं अपनी दीदी को उनके एग्जाम सेंटर तक पहुंचाता हूं। और यहां सभी अपनी पूरी साल का सिलेबस 10 मिनट में पूरा करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे नाइस कैप भैया, गुटका चबा के टॉप करूंगा। और फिर मैं फाइनली घर आ जाता हूं और देखता हूं कि मेरा भांजा मस्त चैन की नींद सो रहा है। और नहा धोकर मस्त खा पी कर मैं पिछली वीडियो एडिट करूंगा। और हाँ, जो मुझसे पूछते हैं कौन सा माइक यूज करता हूँ, देख लो ये है बोया BY MM1। चलो मैं अब थोड़ा वीडियो एडिट कर लूँ और थोड़ा पढ़ लूँ। हाँ मैं पढ़ता भी हूँ। ये शॉर्ट्स एडिट करने मुझे ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगता है और अभी मैं फोन में ही एडिट करता हूँ। मगर थोड़ी देर बाद फिर भूत पिशाच की भांति आते हैं ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि। राम 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 भैया, आए तो मैगी खाएंगे। मायर मैगी ना भाई, मैं लाया था मैगी। फिर तो तुम दोनों बनाए खा लेते। सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ की मैगी खाने के लिए ये मेरे घर के दरवाजे तक चले आए। भैया पीछे बनाएंगे मैगी। हल्ला क्यों करेंगे, उदम मत मचाइयो ना। अटरम झटरम ज्यादा नहीं है, जाओ पीछे हैं, देख लो भाई। बर्तन फर्तन तो नहीं साफ करने पड़ेंगे, बर्तन तो दे भाई। बात सुन, एक सेकंड ए दे, बात सुन ले, बर्तन खजू नहीं होगा, सिर्फ एक करैया होगी। एक सेकंड रुक, देख बर्तन सिर्फ एक होगा, करैया और जबिया बस भाई, मैं खा लेंगे तीनों। अरे मसाले वगैरह है, बिन्ने पुड़िया बना बना के ले चलेंगे। फिर मैं सभी को मैगी बनाने के लिए सामग्रियां देता हूँ। जाको का करेगा दद्दा चुपचाप। हाँ चावी नहीं रही दद्दे मामी, तो अस्त्र कैप्टन अमेरिका की शील्ड ते का। बाकी सभी मसालों को हम एक ही कागज में रख लेते हैं, बस प्याज और टमाटर लेने हैं। प्याज हमारे घर के पीछे स्टोर रूम में रखी रहती है और ये लौकी हमारी खुद की लगाई हुई बेल के टूटे हुए हैं। फिर इससे टमाटर निकालता हूँ और सारे सामान को उनके हाथों में सौंपता हूँ। चम्मच लेता हूँ, चाकू लेता हूँ और ये चॉपिंग बोर्ड लेता हूँ कूल बनने के लिए। हम जा रहे हैं घर के पीछे, मगर आप सोच रहे होंगे छत पर होकर। हाँ, क्योंकि छत एक तरह से फ्लाई ओवर का काम करती है। जैसे हमारे घर के बगल में ताऊ जी का घर है और इनके घर के पीछे से सीढ़ियाँ गई हैं भैंस के तबेले में, जहाँ पर इनकी भैंस वगैरह बंधती हैं। और यहीं से एंट्री होती है हमारे घर के पीछे, जहाँ हमारा छोटा सा किचन गार्डन है। ये है मेरी ताई जी यानी कि मेरी मौसी, मगर मैंने बड़ी मम्मी बोलता हूँ। हाँ, ये घर के पीछे हमारा छोटा सा खेत भी है। मगर एक दिक्कत आई कि ये चूल्हे अभी अभी सेट करें और अभी ये गीले हैं, अगर इन पर अभी हमने मैगी बनाई तो ये फूट जाएंगे। मगर हमारे पास इस दिक्कत का भी हल है, क्योंकि हमारे पास है एक ईजी टू कैरी चूल्हा, जो बिल्कुल भी ईजी नहीं है कैरी करना। भाई अपनी अपनी ईंट ढूंढ ला, बैठ वेगा आवास। फिर ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदा आग जलाने के लिए कंडे लेकर आते हैं। चेटी गरम पड़ेगी तो कंडा थे। फिर मैं अपने सिंहासन पर बैठकर अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, सब्जी काटने का। और ठेस बुद्धि तो आग लगाने में माहिर है, तो आग लगाने की पूरी कोशिश करता है। मिट्टी का तेल तो मिल नहीं रहा, यानी कि कैरोसिन मिल नहीं रही। और ये बोतलें पड़ी हैं पापा वगैरह की, थोड़ी थोड़ी दो चार बूंद है इनमें, देखते हैं इससे आग लगती है कि नहीं। जो वो डब्द है तू बहुत जानता है दोस्तों। आज से ब्लॉग खत्म, आज से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैसे मैंने बॉलीवुड मूवीज में देखा कि दारू से आग लग जाती है, देखते हैं कि रियल लाइफ में लगती है कि नहीं। दारू से आग लगत होगी, लगे आते हैं भाई, टेम्परेचर देखकर। दारू से तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे हम आग लगा ही देते हैं और मैगी बनाने की अपनी प्रक्रिया चालू करते हैं। ये तो बहुत तेज आंच लग रही है, मगर हमारी आग को हमारी नजर लग जाती है। बड़ी मम्मी तो बरसी काट रही है भैंस के चारे के लिए, और हम इस हरियाली के बीच नादान बच्चे मैगी बनाने के लिए आग लगाने की कोशिश करते हैं।
मैं वही सोच रहा हूँ घर गेस्ट हाउस आ जाओ वही करके दो दो इतनी देर में गैस पर चार बार बनाए तो अरे नहीं भाई मैगी अब नहीं बनाएगी अब मैगी नहीं बनाएगी और नहीं खाएगी पागल पागल तेल तो करा मैगो है मैं डालू है तू डाल रही मैं भैया प्याज डालू आलू प्याज चक्कर देखो देखो भैया देखो देखो ले क्या प्याज ले क्या पता नहीं मगर मेरा इस धुएं से कोई गहरा रिश्ता है मैं जहां भी बैठता हूं वहीं आ जाता है और फिर मैं ठीक ठाक बंदे की जगह को हड़पने का प्रयास करता हूं पालक तोड़ लाया हूं दिमाग खराब हुआ कह रहे लेके जा जल्दी कम कैसा करेंगे रे फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैगी पालक डाल दिया जाए एक पालक बहुत है एक ते का होगा दो तीन पत्ता टोल ले बड़े बड़े से मस्त मस्त है आज तो मैं हेल्दी मैगी खवाऊंगो पालक मैगी टमाटर डाल दो अरे अच्छा तो जल्दी से ना पानी दे इतना बुना है तेल ये इतने मोटे ओ इतने मोटे मोटे दिमाग खराब तो भैया हम का बेस में से ज्यादा मोटे है मैगी नहीं पालक खा मैगी नहीं पालक पत्ता सारे को रहेगी कायम पत्ता है कायम है नहीं पत्ता कायम है अरे अरे पत्ता मैं जिधर बैठू धुआं उसी तरफ आ जाता है तो इसमें मैं क्या करूं ले क्या त्यो काम आग सेट करवेगा मैं काम पकाएगा और जाओ काम लावे और को काम जो करो ठेस होती हम जोश ही जोश में आ तो गए चूल्हे पे मैगी बनाने मगर हम आग को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे बार बार बन जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि मैगी में शहद कौन डालता है मैं डालता हूँ मैगी में शहद टेस्टी बन जाती है जल्दी करो ये जल्दी बस फिर मैं अपने अंदर फुर्ती लाता हूँ और जल्दी से मैगी बनाने की रफ्तार बढ़ाता हूँ आज क्या मैगी है सॉरी मैगी का पानी है ये है मैगी और हम इसको ऐसे डाल देंगे जिस पर मैगी बनाना नहीं आता वो अपने आप जाके सीख लो हो आज चावा ना कर दे मैगी लपट में हाथ तक आ रही है जो है सुपर फास्ट मैगी है रफ्तार कच्ची ज्यादा ही ना नहीं ये रफ्तार वाली मैगी है ये दो मिनट या दो घंटा है सुपर फास्ट तभी तो सुपर फास्ट मैगी है सुपर फास्ट होगी जी जी इंडियन रेलवे भाई सुपर फास्ट है जी तभी तो है आज ने एक वायरल कुरियर आओ ये देख रही है सुनो 3 बजे के मूवी जीने लेवे जाना तो अब तो तू चले आ कोई टेंशन ना बता यो काम है बता यो वो तो हम देख लेंगे कुछ कुछ जो करना होगा कर लेंगे बहुत बढ़िया मतलब बनाई मैंने मेहनत में ही खाएंगे तुम अकेले तू मेरे सिंहासन पर बैठेगा मुझे बिना पूछे और क्या दारू की बोतल ना है वो खाली बोतल है वो जा रहा हूँ बस यार निकल जा बेटा फिर हमारी सस्ती मैगी पार्टी में पापा भी शामिल हो जाते हैं नहीं बैठ गए मैं तो भाई इतने पैसे दे दे कटोरी में चल प्लेट में ले जाओ ले लो मतलब ले तुम लोग बना थोड़ी सी मस्त है बहुत है ये जाओ सूप से बढ़िया ले रहा है कैसी है सूप अच्छा पालक खा लो फ्रेंड्स कैसी ले रही है पालक मैगी पानी पानी बढ़िया ले रहा है तो पानी पानी पीते निकलो फिर ले जाए अंदर फिर ये भूला भटका से भतीजा जाता है हमारे साथ मैगी खाने और मेरी बड़ी मम्मी चूल्हों को मैन्युफैक्चर करने में लगी हैं धीरे धीरे मैगी खाने के लिए बिन बुलाए मेहमानों की संख्या बढ़ती चली जाती है समझ लिया जा लिया ऐसे कर कैसी है मोटा भी बन गया चूल्हे की गाइस मैं जी चार लोग इस कढ़ाई में से खा रहे हैं और अंशु और पापा अलग खा रहे हैं नेक्स्ट राखी कहाँ छोड़ दियो है अभी नहीं छोड़ दियो ना भाई बहू के कहाँ चलो बातें का दोस्त बनी है जो समय पे आएगा वो खाएगा ताकि नसीब में भाई दाने दाने वाले खाए खाने वाले का नाम अच्छा मगर खत्म होते होते सबके बीच चम्मचों से लड़ाई हो जाती है
और इस लड़ाई का फायदा ठेस बुद्धि उठा ले जाता है। मैगी कितनी टेस्टी बनी होगी वो अपन की हरकतें देखकर समझ सकते हैं। ये जब फोरे का खाजी आओ। मैं चला दीदी को लेने। इन दोनों ने जिम्मेदारी ली थी बर्तन वगैरह साफ करने की, तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मैं चला दीदी को लेने। मैं एग्जाम सेंटर तक पहुंचता हूं और जैसे सभी एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं सबके चेहरे से अनुमान लगा सकते हैं किसका पेपर कैसा गया होगा। और फाइनली मैं दीदी को लेकर घर आ जाता हूं और ये मेरा भांजा सुबह से अब मिल रहा अपनी मम्मी से। फिर हम तीनों बैडमिंटन खेलने आया थे अपने अड्डे पे। एक पॉइंट के ठीक है ठीक है। एक और कौ पे गिरी मैं बल्ला जी ले लूंगा बल्ला। कॉमन का है भाई जी का बात भाई कॉमन तो कहूंगा ये भाई। अरे कब आलो मैं यहां पे घुस जाऊंगा चढ़ जाऊंगा मैं तू ना दे रहा बच्चे को। मगर खेलते खेलते हम इस चिड़िया को तोड़ देते हैं। खेलेंगे चलो महाभारत करेंगे महाभारत। इस महाभारत का फर्स्ट राउंड होगा ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदे के बीच। तो डंडा से रोकी हो ठेस बुद्धि। इस युद्ध में पहले नहीं उतरना चाहता तो फर्स्ट राउंड मुझ में और ठीक ठाक बंदे के बीच होता है। मगर धीरे धीरे ये युद्ध घातक होता चला जाता है। ओए ये क्या कर अब या ओ ये बहुत है मारे मारे ओए ना हार मरना हार जिन तो हार। मैं सारे तरीके अपना लेता हूँ मगर मेरे हथियार ही मेरा साथ नहीं देते और मैं ठीक ठाक बंदे से हार जाता हूँ। भाई मैं तो ठीक ठाक बंदे से हार गया। दूसरा राउंड होगा ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि के बीच। युद्ध तो कोरोना बम को एक दूसरे फेंकने से चालू होता है मगर बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा ही घातक हो जाता है। अब लड़ते लड़ते हमें कुछ ज्यादा ही मजा आने लग जाता है और हमारे दिमाग की खुजली भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम तरह तरह की कलाबाजी दिखाने लग जाते हैं। मगर मुझ पर ठेस बुद्धि में पता नहीं किस बात को लेकर विवाद हो जाता है। मैं तो टूट गया। तू समझदार लड़का होके तू लड़ाई झगड़ा करता है भैया मैं ना लड़ाई झगड़ा छोड़ो आओ चले मिलते हैं। ये धोखा है। हल्के जी हल्क हल्क बेटे इधर आओ। हाँ भाई थोर कैसा लगा? मैं तो पैर से टूट गया। मगर आखिर में जैसे तैसे दिमाग की खुजली शांत हो ही जाती है और ये दोनों चले जाते हैं। पार्टी कहाँ है? मेरी दीदी मुझसे कहती है कि तूने सबको पार्टी दे दी और अब 160K प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा खाने पीने को मंगा और मुझ में दो थप्पड़ मारकर कुछ अच्छा खाने पीने को ऑर्डर करवाई लेती हैं। पापा तो मस्त अपना नाना होने का फर्ज निभा रहे हैं। और फाइनली फिर मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर ही देता हूँ। मैं मंगाता हूँ एक शानदार पिज्जा। ये तो खुशी के मारे चहक गई। और मैं मोमोज मंगाता हूँ जो देखने में तो काफी टेस्टी लगते हैं और फिर सभी बैठकर मस्त पिज्जा एंजॉय करते हैं। अभी मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको बड़ी अजीब लगेगी। पिज्जा अच्छा ना लगा? ओए तो पिज्जा ना बढ़िया लगा। दुनिया का पहला लड़का आया पिज्जा अच्छा। इस सब के बाद ये तो हो जाते हैं खुश और मैं भी खुश और आप भी खुश। आओ खुश है आओ तो इस वीडियो को तो करते हैं यहीं समाप्त। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ये म्यूजिक मेरा खुद का बनाया हुआ है, किसी और वीडियो में आपको अच्छे से सुनाऊंगा। और ऐसे और मजेदार ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।